स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। मैं अश्विनी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश सात, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए वाक्यांश सात हम पढ़ने वाले हैं। वाक्यांश छह हमने पढ़ा दिया है, और वाक्यांश छह में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि बहुत ही डीपली सीखने जैसा था। देखिए उसमें क्या था, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि हमने शब्द चिन्ह पढ़े हैं, पहले हम शब्द चिन्ह लिखते थे, जब हम सीख रहे थे कुछ चीजों को तो हम किसी भी शब्द चिन्ह को अलग अलग लिखते थे। ठीक है, एक एक करके लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब हमने वाक्यांश छह में क्या सीखा है, क्योंकि हम अभ्यास 50 पे आ चुके हैं, अभ्यास 51 पे आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाने के लिए दो दो शब्द चिन्ह या तीन तीन शब्द चिन्ह को क्या करेंगे, जोड़कर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने जो वाक्यांश छह में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि दो शब्द चिन्हों को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही वाक्यांश सात में कुछ है सीखने लायक कि हम दो शब्द चिन्हों को या दो वाक्यों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द चिन्ह तो नहीं है, बट दो या तीन या चार वाक्य हैं जिनको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं वो सीखने वाले हैं। जैसे कि हम जब बिल्कुल बेसिक सीख रहे थे तो चल भी हम बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे। ठीक है, चल चल, ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। इस वाक्यांश में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। आपको दिख रहा होगा, फिर समझाऊंगा मैं आपको, सिर्फ समझाने के लिए ही आता हूँ। ठीक है, तो चला, ऐसे ऐसे हम चल या चला लिखते थे। फिर हमने सीखा कि मात्रा हटाना सीखा, फिर हमने इस चल को आंकड़ा लगाकर और छोटा लिखना सीखा। ठीक है, इसी तरह से अब हमने छोटा लिखना सीख लिया है, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, इनको एक साथ जोड़ के कैसे लिख सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर लिख रहा है चला करता है, तो इस चला के साथ हम करता है को कैसे जोड़ सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चला करता है एक साथ हम कैसे लिखेंगे वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वाक्यांश सात में कुछ भी नहीं है, समझते हैं। लिखना है चला करता है, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। चला करता है, तो चला लिखा हुआ है, करता है और है, इन चीजों को हमें एक साथ जोड़ना है, क्योंकि हमें अब अपनी स्पीड पर और डिक्टेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चला करता है हम कैसे लिख सकते हैं, तो चे और चे में लेखा कड़ा जोड़ देंगे तो चला पड़ जाएगा, लाएंगे ऊपर है की मात्रा, करता है के लिए थोड़ा ऊपर करेंगे, के में रेखा कड़ा कर और ते काकड़ा जोड़ देंगे करता, और यहां से ही जोड़ देंगे है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं चला करता है, तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, और बस कुछ नहीं है, जो हमने बेसिक पहले पढ़ा है उसको हमें जोड़कर लिखना है और जोड़कर लिखकर उसको समझना है। ठीक है, कहीं कहीं बार आप प्रयास करोगे तो बड़े ही इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट लिखा है चला जाता है, कुछ भी नहीं है, चल चला, और इसमें ही जोड़ देंगे जय, और जय में जोड़ देंगे ता का आंकड़ा, ता के आंकड़े के साथ जोड़ देंगे है, चला जाता है। यहाँ पर एक चीज समझेंगे, देखिए ता का आंकड़ा हम किस साइड जोड़ते हैं, इस साइड किसी भी शब्द में, और न का आंकड़ा जोड़ते हैं इस साइड। तो मैं यहाँ आपको प्रेफर यही करूंगा कि जब आपको लिखना हो चला जाना है, चला जाना है, वैसे कोई ऐसा सेंटेंस बहुत रेयर ही बनता है कि चला जाना है, कुछ होता नहीं है, चला जाना चाहिए, इस तरह से तो बनता भी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इस वाली साइड को मोड़कर करते हैं तो जाना है पढ़ लीजिए, और जाता है, चला जाता है पढ़ना है, तो कैसे लिखेंगे, चला जाता और है इधर की तरफ को, क्योंकि इधर को आप करोगे तो तय आंकड़ा इजिली पढ़ पाओगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो एज योर विश, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है आम तौर पर, तो कुछ नहीं है, देखिए आम तौर, आम का शब्द चिन्ह मान लीजिए, या आम, आम तौर का पूरा ही एक शब्द चिन्ह भी है बड़ा सा, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो उसी में हमने क्या कर रखा है, पर जोड़ रखा है। लेकिन जब हम किसी भी शब्द को, जैसे मैं को उसकी कुल लंबाई से दुगना करते हैं तो तर डर तर जुड़ जाता है, तो उस केस में भी हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो तीन चार वे में हम इसको समझ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब हम बड़ा करके लिखेंगे तो आमतौर पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आम को बड़ा करके लिखेंगे आमतौर, और पर का इसमें शब्द चिन्ह हमने जोड़ दिया लास्ट में, तो बिल्कुल बेसिक है। दो तीन फॉर्मूले से आप इसको पढ़ सकते हो, या तो आमतौर का शब्द चिन्ह इसको मान लो, आमतौर पूरा ही होता है, या फिर माँ में यदि हम कुछ उसको उसकी किसी भी शब्द को यदि उसकी कुल लंबाई से दुगना करते हैं तो तर डर जड़ जुड़ जाता है ना, तो उसी तरह से इसमें तौर पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मात्रा का साइलेंट कर दिया गया है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, तो ओ की मात्रा हम खुद पढ़ सकते हैं, जबकि लाइन के ऊपर आ की मात्रा पढ़ते हैं। थोड़ा ये डिफरेंट है, समझ से बाहर जा सकता है, बट इसको आप सिंपली क्या करेंगे कि आम तौर ही पढ़ेंगे पूरे मैक के, इस यदि हम इसको बड़ा करके बनाते हैं तो, ठीक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, अगर आपको उठाने में कोई भी दिक्कत है तो। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक बार, तो कुछ भी नहीं है, एक बार लिखने के लिए कुछ नहीं करना, एक क्या बनाएंगे, एक पढ़ा जाएगा लाइन पर बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही मात्रा पड़ी जाती है, इन्होंने लाइन के ऊपर बना रखा है। तो एक और बै और रे, बै और रे इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बार।
तो बार आके मात्रा स्वयं पढ़ जाते हैं, क्योंकि मात्राओं का हम लोप करते हैं क्योंकि हम अब काफी आगे आ चुके हैं, तो एक बार हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही शब्द आया नेक्स्ट कौन सा, तो कुछ नहीं है, कौन का शब्द चिन्ह होता है ना इस तरह से कौन, और इसमें जोड़ दिया सा, क्या पढ़ जाएगा कौन सा, बहुत ही इजी शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत बेसिक बेसिक शब्द है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, कुछ नहीं है बस जोड़ कर लिखना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि सीखने लायक है या बहुत ही डीपली समझने लायक है। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द आया आपका चिंता से रहित, तो कुछ नहीं करना, चय चय में नय का आंकड़ा जोड़ देंगे तो चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पे ही जोड़ देंगे ता, तो चिंता चिंता, ठीक है। चिंता से रहित के लिए हम क्या करेंगे, से का शब्द चिन्ह जोड़ देंगे, से और तय को जोड़ देंगे, तो चिंता से रहित हो जाएगा ये, ठीक है। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं आप, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए चय और न, ये चिंता हो गया आपका, ता नहीं जोड़ेंगे तो इसको ये चिन्ह पढ़ेंगे चिंता, और यहां से जोड़ देंगे रा, रा का आंकड़ा, ये रा और पूरा है और तय, तो चिंता रत कुछ नहीं होता, तो चिन रत कुछ नहीं होता, तो चिंता से रहित कर लेंगे, लेकिन यहाँ आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो इसलिए हम इसको चिंता को पूरा लिखेंगे और से के साथ तय का आंकड़ा लगा देंगे, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है ना, किसी भी शब्द में यदि कोई ऐसे शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला शब्द पूरा लिखते हैं और दूसरे शब्द का लास्ट अक्षर लिख देते हैं उसके साथ, या फिर उसको कहीं साइड में लिख देते हैं, या फिर उसके पहले शब्द से काट देते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, चिंता से रहित, तो इस ते से क्या पढ़ेंगे इसको, रहित पढ़ेंगे, क्योंकि ये चिंता से रहित हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे, चिंता पूरा लिखते और रह से इसको काट देते, तो चिंता से रहित हो जाता, से के आंकड़े के साथ, तो चिंता से और रह से काट देते रहित, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते थे, या रह इसके पास में रख सकते थे। देखिए काफी काफी तरीके होते हैं शॉर्ट हैंड में, बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लिख रहे हैं और उस शब्द को उठा पा रहे हैं या नहीं। जिस तरह से आप लिख रहे हैं यदि उस शब्द को उस तरह से उठा रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है जाने पाता था, तो जाने पाता था भी कुछ ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है, जाना जानी जय लिख देंगे, ये जाना जानी पढ़ा जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी क्या क्या है, दूसरे शब्द के पहले लेटर को पूरा लिखा है और पहले लेटर को पूरा लिखा है और था को जोड़ा है, तो जाने हो गया ये, बट इसको आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जाने इस तरह से लिखेंगे, तो इसको जाने पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, लाइन पर लिखेंगे, ज्यों का भी सब चिन्ह होता है, त्यों का भी होता है, इस तरह से कुछ लाइन के नीचे अगर आप इसको लाइन पर बनाएंगे तो जाने पूरा ही पढ़ेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, जाने और पाता पाती के पहले शब्द से काट देंगे, जाने पाता और था को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, पै को उसकी कुल लंबाई से आधा कर देंगे यहाँ पर, तो ता ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो काफी तरीके होते हैं, तीन तरीके तो मैंने इसी सेंटेंस में आपको बता दिए हैं, तो जैसा आपको प्रेफर लगता है आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या करता है, तो इजी है, क्या का सब चिन्ह होता है क्या, क्या में कह रहे कर ता है, क्या करता है, तो क्या करता है इस तरह से हम पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को क्या करता है पढ़ेंगे, और यही शब्द होता है आपका एक शब्द चिन्ह है ना कांग्रेस कुछ इस तरह से, तो इस तरह से होता है वो, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे का भी ध्यान रखिएगा, शब्द चिन्ह याद करने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ही जैसे शब्द हो सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या करता है हो गया, नेक्स्ट शब्द देखते हैं आपका, इतना ही नहीं, कुछ भी शब्द में जैसा है ना, इतना ही नहीं जैसा कि ये शब्द है वैसा ही इसका अर्थ भी है, बिल्कुल इतना ही नहीं, ये बिल्कुल इजी शब्द है, कुछ नहीं कर रखा, इतना का शब्द चिन्ह जोड़ रखा, इतना फिर ही और नहीं का शब्द चिन्ह जोड़ रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस बीच में ही जोड़ दिया, नहीं का शब्द चिन्ह, इतना का शब्द चिन्ह, तो तीन एक साथ जोड़ दिए, हो गया जी इतना ही नहीं, तो ठीक है, इसमें कुछ सीखने लायक नहीं था ना। ऐसे ही आता है इतना ही नहीं बल्कि, देखिए ये वाला थोड़ा सा इतना ही नहीं बल्कि ये दिख नहीं रहा आपको, बट इसमें क्या है, ये इतना ही नहीं बल्कि और, ये पूरा शब्द है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इतना ही नहीं बल्कि और, पांच शब्द हैं एक साथ लिखने हैं यहाँ पर आपको दिख रहा हो, तो कैसे कर सकते हैं, इतना का शब्द चिन्ह, इतना ही का शब्द चिन्ह, नहीं का शब्द चिन्ह, नहीं बल्कि, बैग निकाल दिया नीचे, तो ये हो गया नहीं नहीं ठीक है, और यहाँ से ही ले गए ले का शब्द चिन्ह जोड़ दिया, इतना ही नहीं बल्कि और, रह जोड़ दिया तो और, तो इतना ही नहीं बल्कि और, सारा ही है, इतना का शब्द चिन्ह, इतना ही का शब्द चिन्ह, ही नहीं और ले से जोड़ दिया लिखी और, तो इतना ही नहीं बल्कि और, तो इसमें थोड़ा बै और ले का इसमें लोप हो, सॉरी क्या का बै का और क्या का लोप हो गया है, इसलिए से हम इसको की पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो इतना ही नहीं बल्कि और। अब इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे, इजी समझने के लिए, जब हमने ये नहीं के बाद बल्कि जोड़ा है ना, सिर्फ ले जोड़ा है, तो ले के साथ हम क्या कर सकते हैं, बै को भी जोड़ सकते हैं, तो बै और ले को जोड़ के बल हो जाएगा और कर देंगे, तो बल्कि यहाँ और इजी पढ़ पाएंगे आप, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ मिलाकर लिखा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट शब्द आता है आपका हर तरह से,
ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं पेंसिल को चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखिए हर तरह से तो कुछ नहीं करना है लिखेंगे, रह लिखेंगे हर, और इसी में ही हम तय और है को जोड़ देंगे। तरह से तो तय त और सा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तरह से हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब हमें पहले सब पूरा लिखते हैं तो बताया है कई बार, एक पूरी अभ्यास भी इस चीज पे पढ़ाई है कि उसके या तो लास्ट के शब्द को लिख दीजिए या उसके फर्स्ट लेटर को काट दीजिए या जोड़ दीजिए और फिर बाद में। इसी तरह से है पूरा हर तरह से। ठीक है, ता जोड़ेंगे और सा का अगला जोड़ देंगे तो हर तरह से आपका ये हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि ये समझ में नहीं आता है तो आप अपने हैंड से भी कुछ अलग सब चिन्ह बना सकते हैं। इसी तरह से है सब तरह से। देखिए ये वाला जो शब्द है ना, इस वाले शब्द से बिल्कुल बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, सब तरह से, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए से लिखेंगे से और बे सब। अब तरह के लिए क्या करेंगे, सिर्फ तय को जोड़ेंगे, तय से हो गया तरह और से, तो सब तरह से। ठीक है, तो रह का क्या हो गया, लोप हो गया यहाँ पर, तो इसी तरह से यहाँ पर भी लोप हो गया था। इस तरह से लोप हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस पीछे वाक्यांश वाक्यांश 6 में भी पढ़ा था कि जा चुका है कुछ ऐसा, तो जा लिखा था शायद या जाता था, और चुका है के लिए चय क्या और है से काट दिया था, तो फर्स्ट लेटर उसका साइलेंट हो गया था। ये रूल है बेसिक, पूरी पढ़ा रखी है अभ्यास, आपको पता होगा, इतना गाइड करने की भी जरूरत शायद नहीं है। ठीक है, सब तरह से ऐसे ही शब्द है नेक्स्ट आपका बहुत तरह से। ठीक है, बहुत तरह से भी कुछ नहीं है, जैसे कि ऊपर लिखा है बस सेम है, बहुत का सब चिन्ह करेंगे, तरह के लिए तय को जोड़ देंगे और सय को जोड़ देंगे तो बहुत तरह से हो जाएगा। रह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप। बस बेसिक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट शब्द है जन समूह, कुछ भी नहीं है, जन समूह में जय लिखेंगे, जय में न जन, और यहाँ पे सय और मैं पढ़ गया समूह, समय और समूह को वो है ना एक सब चिन्ह, तो समूह का हम यहाँ पर सब चिन्ह नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें हमने क्या जोड़ा है को जोड़ा है लास्ट में। तो क्या करेंगे, जय न जन पूरा लिखेंगे, सम में सम और हु है से आवाज आ रही है हु की, तो जन समूह, तो ठीक है जन समूह हो जाएगा आपका पूरा। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी है। जन साधारण कुछ नहीं है, जन का शब्द चिन्ह है, साधारण का शब्द चिन्ह है, तो जन का शब्द चिन्ह साधारण का शब्द चिन्ह इस तरह से होता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो इसको पलट देंगे साधारण के शब्द चिन्ह को, क्योंकि यहाँ पर जोड़ के नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, तो बस पलट के लिख देंगे, तो जन साधारण, तो ये इस तरह से हो जाएगा, जन साधारण एक साथ हम लिख सकते हैं। ऐसे ये जनसंख्या तो कुछ भी नहीं है, बेसिक है बिल्कुल, जैन जन यहाँ से ही जोड़ेंगे, सह का अकड़ा सर, सह और सह को जब आगे बढ़ा दिया कै को तो ये कट गया जैसे, तो क्या हो गया खै, जन संख्या हो गया, और संख्या और या के लिए हम बनाएंगे या, इस तरह से नागिन सा बनाते हैं नीचे ये, तो जनसंख्या या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या ऐसे ही लिखा है, जन समाज, तो क्या करेंगे, बनाएंगे जय जय और न जन और समाज के सब चिन्ह को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जय और न जय न जन और समाज का सब चिन्ह जोड़ दिया, तो जन समाज। ऐसे ही है जन्म भूमि, तो कुछ नहीं करना, जन्म तो पूरा लिखेंगे हम, जन्म तो हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जय का आंकड़ा और मैं, तो ये हो गया आपका जम, और जम नहीं होता जन्म होता है। यदि आप जन्म पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो न का जो है आंकड़ा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो जन्म भूमि, जन्म भूमि, और भूमि के लिए भू भय को कर देंगे साइलेंट और मैं कर देंगे ये। ठीक है, तो जन्म भूमि। लेकिन इस शब्द को थोड़ा सा आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं लास्ट को, तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसा कर सकते हैं, जय लिखेंगे जय, ठीक है, और मैं, जन हो गया, और इसके ना मैं से ना जोड़कर इसके भय से काट दो भय। ठीक है, तो जन्म भूमि आप इसको पढ़ सकते हो, कैसे, जब मैं भय को काटा तो भय भी कट गया और मैं भी कट गया, तो क्या हो गया, जन्म, वो मैं की जगह न हो गया, तो जन्म जय न और मैं। ठीक है, जन्म और भय से काट दिया भूमि, तो इसको पूरा कैसे लिख सकते हैं, जन्म और यहाँ काट दो इसको भूमि से, भय से भूमि, जन्म भूमि, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जब मैं कट गया, अब यहाँ क्या था, मैंने पहले काटा था तो इसको न पढ़ लिया था, तो इसको आप लास्ट में भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं, तो काफी तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आप इसको यहाँ ना काट कर इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, तो ठीक है, जन्म भूमि, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले में जय लिखेंगे और मैं लिखेंगे और भय और मैं लिख देंगे, तो जन्म भूमि, इस तरह से भी कर सकते हो। तो काफी काफी तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगता है लिखने में, कौन सा आसान है, जबकि लिखने में ये वाला आसान है क्योंकि इसमें आपको पेन भी हटाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था वाक्यांश 7 आपका, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। आप एक बार इसकी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसकी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपने पहले भी ले लिया होगा लेकिन दोबारा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको जो है याद हो जाएंगे, लिखने के काम आएंगे। चलिए देखिए साथियों, अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, अब वाक्यांश 8 आपका आएगा, फिर उसके बाद 52 अभ्यास की आपकी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो 52 अभ्यास की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही स्पीड से पढ़ेंगे, समझेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि समझने लायक कुछ है ही नहीं।
ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आज आपकी समझ में आई होगी, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, कमेंट में हमें जरूर बताना कि कुछ गलत लगा या नहीं लगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, उससे जो है उनकी भी हेल्प होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।